हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो कुछ टेलीविज़न रखे हुए हैं, यह रिपेयरिंग के लिए रखे हुए हैं और यह टेलीविज़न मेरे घर पर रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं और मैं अपने घर पर भी शॉप के अलावा रिपेयरिंग करता हूं। और इन टेलीविज़न में से एक टेलीविज़न मैं आपको आज रिपेयरिंग करके बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह वीडियोकॉन कंपनी का टेलीविज़न है जिसे मैंने ओपन करके रखा हुआ है और इस पर एक समस्या है और वह प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो यह जो वीडियोकॉन का टेलीविज़न है, तो सामने इसका जो लोगो है वीडियोकॉन का है, लेकिन इस पर जो किट डाला हुआ है, किट इस पर अलग से दूसरा किट लगा हुआ है वेस्टर्न कंपनी का, WESTON वेस्टर्न। एक आपका वेस्टर्न होता है BESTON, तो यह वेस्टर्न कंपनी का किट इस पर लगा हुआ है और इस पर जो क्रोमा IC है LA76810A लगा हुआ है। इस पर फॉल्ट क्या है, तो इस टेलीविज़न को मैं ऑन करके सबसे पहले आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूं कि इस पर फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, इस पर फॉल्ट यह है कि जैसे हम इसे चालू करते हैं और DTH से कनेक्ट करते हैं तो इस पर साउंड वगैरह सब कुछ सही आता है और पिक्चर में आपको हल्के हल्के रिटर्स लाइन के साथ जो पिक्चर है तो आपको बहुत ही बारीक धुंधला सा नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर पिक्चर पर रिटर्स लाइन भी आ रहा है और साथ साथ पिक्चर जो है बहुत ही धुंधला जो है नज़र आ रहा है। और यह समस्या जो है, तो एक मैकेनिक ने इसके पहले इसे रिपेयर किया है, इसका जो मेन IC है उसे भी चेंज किया हुआ है और उसका इसका CRT बेस जो है, तो CRT बेस को भी रिपेयरिंग किया गया है, लेकिन यह फॉल्ट जो है फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आज मैं इस फॉल्ट को दूर करके आपको बताऊंगा कि यह फॉल्ट हमारा मेन IC भी सही है, CRT बेस भी सही है, फिर भी यह फॉल्ट जो है कैसे दूर होगा। तो दोस्तों, यह फॉल्ट जो है दूर करने के लिए हमें चेक करना होगा ST में एक ABL का पॉइंट होता है। दोस्तों देखिएगा, जो ST होता है, तो किसी भी कंपनी का किट हो, यदि कभी भी ऐसा समस्या आता है कि आपका पिक्चर जो है बहुत ही धुंधला आता है, आप सब कुछ चेक कर चुके होते हैं फिर भी समस्या आपका सॉल्व नहीं होता है, तो ABL से दोस्तों देख सकते हैं एक रेड कलर का PF लगा हुआ है। तो इस PF को दोस्तों मैं अब ओपन करूंगा और ओपन करके हम देखेंगे कि हमारा यह प्रॉब्लम जो है तो ठीक होता है कि नहीं। और कभी भी आपको टेलीविज़न पर इस प्रकार का फॉल्ट देखने को मिलता है कि पिक्चर जो है बहुत ही धुंधला आपको दिखाई देता है और साथ साथ में किसी किसी TV पर आपको हल्का हल्का रिटर्स लाइन भी दिखाई देता है, तो यह फॉल्ट आपका यदि आता है तो आपको करना क्या होगा कि ABL का पॉइंट जो है, ABL के पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उसे भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। और मैं दोस्तों यह जो ABL से रेजिस्टेंस से होकर यह जो PF लगा हुआ है, इसे दोस्तों मैं इसका एक पिन जो है तो तोड़कर अलग कर देता हूं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो समस्या है तो ठीक होता है कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि केवल यह जो ABL से PF लगा हुआ है उसका एक पॉइंट मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो समस्या था कि पिक्चर धुंधला नज़र आ रहा था, तो पिक्चर हमारा जो है सही हो चुका है। और अब आपको मैं TV के रिमोट से भी आपको जो इसका फंक्शन है तो चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अब फंक्शन वगैरह जो है तो हमें अच्छे से दिख रहा है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम दोस्तों, यह जो टेलीविज़न है इस पर लोगो जो है वीडियोकॉन का लगा हुआ है, लेकिन जो किट है वेस्टर्न कंपनी का है। इस प्रकार का फॉल्ट आपको कभी भी वेस्टर्न कंपनी के किट पर मिलता है तो आप ABL से लगे इस PF को चेक कर सकते हैं दोस्तों, यह भी ख़राब हो सकता है। और साथ साथ और भी जितने भी टेलीविज़न हैं, इस प्रकार की समस्या भी आपको देखने को मिलती है और आप सब कुछ चेक कर चुके होते हैं फिर भी आपको पिक्चर जो है धुंधला नज़र आता है, तो आप ABL से लगे रेजिस्टेंस वगैरह को ओपन करके और आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार।